हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट स्टडी इंडिया। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंगुलर एंड प्रैंचल का क्लासिफिकेशन। इसकी पहली वीडियो में, सबसे पहले इस यूनिट में हमने देखा था आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होते हैं और इनमें हम किस तरीके से, हमारा अप्रोच क्या होता है क्लासिफिकेशन का, एक्चुअल में क्लासिफिकेशन जैसी चीज़ें होती क्यों हैं और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो सब कुछ हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था। मतलब इसके पहले वाली जो फर्स्ट इस यूनिट की वीडियो थी वहाँ पे डिस्कस किया था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन, जो कि एक कह सकते हैं कि एक नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था। लीनियस जी का क्लासिफिकेशन जो था वो हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जो कि आपके सिलेबस में नहीं था लेकिन इंपॉर्टेंट था, उससे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने उसे आपको पहले ही करा दिया था। आज के इस वीडियो में हम लोगों को समझना है एक फाइलोजेनेटिक तरीका सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का। लीनियस जी का क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था जो कि आर्टिफिशियल सिस्टम पे बेस्ड था। दूसरा जो क्लासिफिकेशन का तरीका था वो था बेंथम एंड हुकर का। और तीसरा और आज का जो टॉपिक है यहाँ पे साइंटिस्ट का, या कह सकते हैं टेक्सोनॉमिस्ट का, क्या नाम था, एंगुलर सर और प्रैंकटल। एंगुलर और प्रैंकटल ने क्लासिफिकेशन दिया था जो कि फाइलोजेनिकी के ऊपर बेस्ड था। फाइलोजेनी का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन का बेस होगा वो उस बात पे डिपेंड करेगा कि पहले से कौन से जो कैरेक्टर्स हैं वो प्रिमिटिव थे, जो कि एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स हैं, उससे धीरे धीरे एडवांसमेंट जो हुई है उसके ऊपर बेस जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके बेस जो क्लासिफिकेशन है, उसे हम लोग कहते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बात समझ में आई? तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इस बात को। पहले समझते हैं कि आखिर फाइलोजेनी की शुरुआत कैसे हुई। आपको पता होगा कि एक साइंटिस्ट थे, या कह सकते हैं एक नेचुरलिस्ट थे, जिनका नाम था डार्विन। लैमार्कवाद और डार्विनवाद, या लैमार्किज्म डार्विनिज्म पढ़ा होगा आपने पहले के क्लासेस में। तो वहाँ पे एक साइंटिस्ट थे डार्विन, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज या ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कह सकते हैं कि कैसे एक स्पीसीज से इतनी डाइवर्सिटी बनी है, कैसे एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज बनती है, स्पेसिफिकेशन, जैसे स्पेशलाइजेशन कह सकते हैं, या जैसे कहते हैं कि एक जाति से बहुत सारी जातियां कैसे ईजाद होती हैं, कैसे बनती हैं। ये कॉन्सेप्ट दिया था डार्विन जी ने। और इस कॉन्सेप्ट को जब उन्होंने दिया था तो पहली बार किसी साइंटिस्ट ने ऐसा कहा था कि जो दुनिया है उसे भगवान ने नहीं बनाया, वो खुद ब खुद बनी है, समय के साथ उसमें कुछ ग्रेजुअल चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से इस धरती पे इतनी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। उसके पहले का समय क्या था कि लोग ये मानते थे कि भगवान ने ऐसे तथास्तु किया है, या जो लोगों का अलग अलग धर्म के लोगों का अपनी अलग अलग आस्था थी, उनके हिसाब से धरती उनके किसी फादर गॉड ने बनाई है, ऐसी धारणाएं तब तक प्रचलित थी। एक बंदा आता है, वो कहता है कि नहीं, धरती पे किसी भगवान ने जीवन नहीं बनाया है, ये खुद ब खुद एक प्रोसेस के थ्रू ये सारी चीज़ें बनी हैं। तो उस समय के लिए ये बात एक्सेप्ट करना बहुत बहुत कह सकते हैं क्रिटिसिज्म वाला था। छोटी सी बात आज के टाइम पे होती है, जो लोग समझ नहीं पाते तो क्रिटिसिज्म हो जाता है। एक पहलू होता है जो उस बात को मानता है, दूसरा पहलू होता है जो उसकी बात को नहीं मानता। उसी तरह डार्विन के बाद साथ भी हुआ था, लेकिन बाद में फिर इनके काम को अच्छी तरीके से पब्लिश किया गया, कुछ लोग इनकी बात को समझने लगे, एक्सेप्ट करने लगे, और भी बहुत सारे रिसर्च हुए, बहुत सारे प्रूफ वगैरह दिया गया, उसके बाद ये बात मानी गई। तो जब एंगुलर और प्रैंकटल जी ने क्लासिफिकेशन दिया था तब डार्विन का ये कॉन्सेप्ट बहुत चर्चा में था। मतलब कि डार्विन ने कह दिया था कि कैसे एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज बनती है, कैसे चीज़ें होती हैं, ये सब कुछ डार्विन ने बता दिया था। मतलब कि इवोल्यूशन जो टर्म है, धीरे धीरे ग्रेजुअल जो प्रोसेस में जो चेंज होके एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज बनती है, वो वाला कॉन्सेप्ट आ गया था। इसलिए इनका ये जो क्लासिफिकेशन है ये फाइलोजेनी पे बेस्ड था। उस समय एक कह सकते हैं कि एक बहुत ही नया सा टॉपिक्स आया था जिसके हिसाब से अलग अलग टॉपिक्स उसके ऊपर वर्क कर रहे थे। तो जो इवोल्यूशन है इसके आधार पे इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था, जिसे हम लोग कहते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बहुत इनका जो क्लासिफिकेशन था ये बहुत इलैबोरेटेड क्लासिफिकेशन था। इलैबोरेटेड का मतलब क्या कि इन्होंने ना सिर्फ
एंजियोस्पर्मिक प्लांट का क्लासिफिकेशन क्या, बल्कि इन्होंने स्टार्ट किया था बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया वगैरह को इन्होंने डिस्कस किया, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एनजियो, सबका इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया। और एक बहुत ही लंबी चौड़ी सी इनकी क्लासिफिकेशन है, मतलब कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियोफाइटा या सिर्फ और सिर्फ सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट के ऊपर काम नहीं किया था, इन्होंने कंप्लीट प्लांट किंगडम के ऊपर काम किया था। इंग्लर और प्रैंटल जो थे, ये दोनों जर्मन के साइंटिस्ट थे। आइए इनके बारे में थोड़ी सी चीज़ें देखते हैं। ये क्या थे, इंग्लर और प्रैंटल जो थे वो जर्मन के बॉटनिस्ट थे, या जर्मन में मतलब जर्मन के साइंटिस्ट थे, बॉटनिस्ट थे, क्योंकि टैक्सोनॉमी पे काम कर रहे तो टैक्सोनॉमिस्ट भी कह सकते हैं। तो ये रहने वाले कहाँ के हैं, ये रहने वाले हैं जर्मन के। उसके बाद क्या है, इंग्लर जो है वो प्रोफेसर थे किसके, बर्लिन यूनिवर्सिटी के। इंग्लर साहब जो थे वो बर्लिन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। और प्रैंटल जी जो उसके बाद जब ये रिटायर हो जाते हैं इंग्लर साहब, तो इन्होंने एक बॉटनिकल गार्डन ज्वाइन किया था, ठीक है, और उनके साथ में काम करते थे प्रैंटल जी। और आपको मैंने बताया था, जब मैंने आपको बॉटनिकल गार्डन की इम्पॉर्टेंस बताई थी, तो मैंने कहा था कि बहुत सारी जो क्लासिफिकेशन दी जाती हैं, अलग अलग डाइवर्सिटी के साथ पढ़ाया जाता है चीज़ों को, वो सब कैसे होता है, वो उसके लिए बॉटनिकल गार्डन एक रिसोर्स की तरह यूज़ करते हैं। हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, ये सारे क्या होते हैं, रिसोर्स होते हैं। तो वही रिसोर्स का यूज़ इन्होंने किया था, बर्लिन यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाते थे। इनका जो क्लासिफिकेशन था, इन्होंने 23 वैल्यूम में अपनी क्लासिफिकेशन पब्लिश की थी। 23 वैल्यूम मतलब इनकी जो बुक आई थी वो 23 वैल्यूम में आई थी। बुक का क्या नाम था, डाई नेचुरल लाइकेन एफ फ्लेजान फैमिलीज, ये जो है इनकी बुक का नाम था। इसमें 280 फैमिलीज या कहीं कहीं पे 303 फैमिली दिया रहता है, तो ये जो है कि अलग अलग बुक में थोड़ा अलग अलग दिया है, लेकिन ये जो है कि आप अगर दोनों में से कोई सा भी लिखते हो तो सही होगा। इनकी जो क्लासिफिकेशन थी, इनकी बुक का क्या नाम था और कितनी फैमिली इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में दी, ये याद रखिएगा। अगर आपके यहाँ ऑब्जेक्टिव वगैरह क्वेश्चन होते तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। आगे दिया गया है कि इनके क्लासिफिकेशन को हम लोग फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्यों कहते हैं, थोड़े से पोस्टुलेट देखते हैं कि इन्होंने ऐसा क्या कहा था या क्या क्या चीज़ें अपने क्लासिफिकेशन में बताई थी जिसकी वजह से इन्हें हम फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का दर्जा देते हैं। दिया गया है कि इन्होंने कहा कि जो एंजियोस्पर्म्स हैं वो किसी जिम्नोस्पर्म से बने हैं। इन्होंने कोई नाम नहीं दिया, इन्होंने नहीं कहा कि साइकस से बने हैं, कि पाइनस से बने हैं, कि जिनकेगो से बने हैं, इन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। इन्होंने कहा कि एक ऐसे ऐसे कैरेक्टर वाला जिम्नोस्पर्म्स रहा होगा, उससे एंजियोस्पर्म्स बने होंगे। अभी हम लोगों को हमने जानते हैं कि जिनेटम्स क्या है, ये सबसे एडवांस फैमिली है और इसी से आगे चल के एंजियोस्पर्म्स बने हैं। लेकिन इंग्लर और प्रैंटल ने अपने क्लासिफिकेशन में कहा था कि ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स, कुछ उन्होंने हाइपोथेटिकल कैरेक्टर्स दिए थे, ऐसे कैरेक्टर्स का कोई जिम्नोस्पर्म्स रहा होगा और उस जिम्नोस्पर्म्स के कैरेक्टर्स के उसी जिम्नोस्पर्म से आगे एंजियोस्पर्म बने। मतलब देखिए, इन्होंने इवोल्यूशन की बात की कि हाँ ये चीज़ रही होगी, जैसे होता है ना, मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया, तो वो वाला कॉन्सेप्ट कि ऐसे जीव थे उनसे आगे चल के एंजियोस्पर्मिक जीवों का या एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का जो है निर्माण हुआ। आगे क्या है, इन्होंने कहा कि जो डाइकॉट्स होते हैं, जो डाइकॉट्स होते हैं वो एडवांस होते हैं मोनोकॉट से। मतलब कि मोनोकॉट जो प्लांट होते हैं, मतलब जिनके सीड में सिंगल कॉटिलेडंस होते हैं, वो प्रिमिटिव होते हैं, और डाइकॉट्स क्या होते हैं, एडवांस होते हैं। इन्होंने दो चीज, दूसरी बात क्या है कि डाइकॉट एडवांस होते हैं, मोनोकॉट प्रिमिटिव होते हैं, इतनी बात पता चली। अभी आज के समय में आगे देखते हैं, आज के समय में हमको पता है कि जो मोनोकॉट्स होते हैं वो एडवांस होते हैं, डाइकॉट्स जो है प्रिमिटिव है, लेकिन उन्होंने जो क्लासिफिकेशन जब दिया था तो इन्होंने कहा था कि डाइकॉट जो है वो एडवांस ग्रुप है, मोनोकॉट जो है वो प्रिमिटिव ग्रुप है। उसके बाद इन्होंने कहा था कि जो हमारे पास फ्लावर्स हैं, इन्होंने कहा था कि जो कैटकिन फ्लावर्स हैं वो क्या हैं, वो कंसीडर्ड टू बी प्रिमिटिव। जो कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस है, इसे प्रिमिटिव कंसीडर किया गया। अभी हम लोग और डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ पे देखिए दिया है, इन्होंने जिम्नोस्पर्म को पहली बार एंजियोस्पर्म से अलग किया। इन्होंने सबसे पहली बार जिम्नोस्पर्म्स को एंजियोस्पर्म से अलग किया। अलग करने का मतलब क्या कि अभी तक हमने बेंथम एंड हुकर का जो क्लासिफिकेशन देखा था उसमें क्या था, डाइकॉटलेडंस थे, जिम्नोस्पर्म्स थे, फिर मोनोकॉटलेडंस थे। मतलब कि हमने जो क्लासिफाई किया था एंजियोस्पर्म्स को, या सॉरी हमने जो क्लासिफाई किया था जो है कि एम्ब्रियोफाइटास को, या फिर कह सकते हैं स्पर्मेटोफाइटा को, तो उसमें हमने जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म को साथ में रखा था। लेकिन इंग्लर और प्रैंटल्स के आने के बाद इन्होंने जिम्नोस्पर्म को बिल्कुल अलग कर दिया एंजियोस्पर्म से, ठीक है। आगे क्या है इनके पोस्टुलेट्स की इंपॉर्टेंस, इन्होंने क्या किया कि जो पॉलीपेटलस था और मोनोक्लेमाइडस जो था,
हमने जब बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो याद करिए कि हमने डाइकोटिलेडन्स को तीन पार्ट में बांटा था, थैलमी फ्लोरी, कैल्सी फ्लोरी, डस्की फ्लोरी। सॉरी, हमने वहाँ पे देखा था पॉलीपेटलस कंडीशन, गैमोपेटलस कंडीशन और मोनोक्लेमाइडस कंडीशन। ठीक है, फिर हमने पॉलीपेटलस को डिवाइड किया था, हमने देखा था पॉलीपेटलस, गैमोपेटलस और मोनोक्लेमाइडी। यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि यूनाइट कर दिया, मतलब कि ऐड कर दिया पॉलीपेटलस को और मोनोक्लेमाइडस को। पॉलीपेटलस जितने भी प्लांट थे और जितने भी प्लांट क्या थे, मोनोक्लेमाइडस थे, उन सारे प्लांट्स को एक ग्रुप में रख दिया और उसका नाम दिया क्या, आर्चीक्लेमाइडी। उसे क्या नाम दिया, आर्चीक्लेमाइडी। तो एंगुलर और प्रैंक्टल्स के अगर आपसे कहे जाए कि इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स क्या हैं, क्या इन्होंने बहुत नया बहुत चेंज करके किया था, सबसे पहली बात कि इन्होंने एक हाइपोथेटिकल जिम्नोस्पर्म बताया था जिससे चल के आगे एंजियोस्पर्म बने हैं। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने कहा था कि जो डाइकॉट्स होते हैं वो एडवांस होते हैं मोनोकॉट से। ठीक है, तीसरी बात इन्होंने कही कि जो हमारे पास जिम्नोस्पर्म्स है वो अलग ग्रुप है एंजियोस्पर्म से, ये भी ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो पॉलीपेटलस थी ग्रुप और जो हमारे पास मोनोक्लेमाइडस ग्रुप थी, इन दोनों को ऐड कर दिया और एक सिंगल ग्रुप बनाया जिसका नाम था आर्चीक्लेमाइडी। उसका क्या नाम था, आर्चीक्लेमाइडी। इतने मेन पोस्टुलेट्स है किसके, एंगुलर एंड प्रैंक्टल से क्लासिफिकेशन के। आगे देखते हैं, इन्होंने जो है कि इनका जो सबसे प्रिमिटिव ऑर्डर था वो क्या था, पेंडेनल्स, जो कि एक जो है कि मोनोकॉट्स का ऑर्डर है। और सबसे एडवांस ऑर्डर जो है ये क्या है, कैंपुलेंट्स। यहाँ पे कहीं पे क्लासिफिकेशन मैंने बहुत क्लियरली लगाया था, इसी में देखते हैं। देखिए, इनके क्लासिफिकेशन का ये एक आउटलाइन है, किसके क्लासिफिकेशन का, एंगुलर और प्रैंक्टल। इन्होंने सबसे पहले प्लांट वर्ड लिया, सबसे पहले इन्होंने क्या वर्ड लिया, प्लांट। पूरे प्लांट किंगडम को इन्होंने क्लासिफाई किया, इन्होंने पूरे प्लांट किंगडम को क्लासिफाई किया। और क्लासिफिकेशन करते समय इन्होंने 13 डिवीजन में पूरे प्लांट किंगडम को डिवाइड किया, 13 डिवीजन में पूरे प्लांट किंगडम को डिवाइड किया। पहले 1 से लेके 12 तक का जो डिवीज़न था वहाँ पे इन्होंने बैक्टीरिया से स्टार्ट किया, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, टेरिडो तक यहाँ पे इन्होंने रखा। मतलब क्या किया कि इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया उसमें क्या किए, 13 डिवीजन्स बनाए। आपको पता है, और आपको ये पता है कि इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो बैक्टीरिया से लेके एंजियोस्पर्म तक दिया था। अब क्या है कि जो बैक्टीरिया है और जो टेरिडोफाइट्स है, यहाँ से लेके टेरिडोफाइट तक का जो क्लासिफिकेशन था वो डिवीज़न 1 से लेके 12 के बीच में था। और जो हमारे पास 13 डिवीज़न था उसमें क्या था, एम्ब्रियोफाइटा और साइफोनोगैमिया जिसे कहते हैं। एम्ब्रियोफाइटा साइफोनोगैमिया का मतलब क्या है कि ऐसे प्लांट जिनमें एम्ब्रियो बनते हैं, और साथ ही साथ साइफोनोगैमिया का मतलब क्या है कि जहाँ पे गैमेटिक जो फ्यूज़न होता है वो ट्यूब फॉर्मेशन की वजह से होता है, मतलब जहाँ पे पोलन ट्यूब्स बनते हैं। ऐसे जो प्लांट्स ग्रुप होते हैं उन्हें इन्होंने 13 डिवीज़न में रखा। साइफोनोगैमियस का मतलब ये होता है कि जहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूज़न होता है वो कैसे होता है, ट्यूब के थ्रू होता है। साइफोनो का मतलब होता है ट्यूब, गैमस का मतलब होता है गैमिस, मतलब कि मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूज़न। तो साइफोनोगैमस होता है एम्ब्रियोफाइटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया है एम्ब्रियोफाइटा को इन्होंने फिर से 2 सब डिवीज़न में क्लासिफाई किया है। पहला सब डिवीज़न है जिम्नोस्पर्म्स और दूसरा सब डिवीज़न है एंजियोस्पर्म्स। पहला सब डिवीज़न जिम्नोस्पर्म्स और दूसरा क्या है, एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स क्या है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, कि ऐसे सारे प्लांट जहाँ पे सिफनोगैमिया तो हो लेकिन ओवरी प्रेजेंट ना हो, ओवरी एब्सेंट हो। ठीक है, तो ऐसे जो ग्रुप्स हैं उन्हें हम जिम्नोस्पर्म में रखते हैं, और एंजियोस्पर्म में हम किसे रखते हैं, एंजियोस्पर्म में हम उन्हें रखते हैं जिनके पास जो है कि ओवरी भी प्रेजेंट होता है और सिफनोगैमिया कंडीशन भी देखने को मिलती है। अब इन्होंने जिम्नोस्पर्म को छोड़ दिया, हमें मेनली एंजियोस्पर्म क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना है। एंजियोस्पर्म्स को इन्होंने दो क्लासेस में डिवाइड किया, एंजियोस्पर्म को इन्होंने दो क्लास में डिवाइड किया।
पहला क्लास था मोनोकोटिलेडंस और दूसरा क्लास था डाइकोटिलेडंस। पहला क्या था? मोनोकोटिलेडंस और दूसरा क्या था? डाइकोटिलेडंस। इन्होंने कहा था कि मोनोकोटिलेडंस प्रिमिटिव है और डाइकोटिलेडंस जो है वो एडवांस, इसलिए पहले मोनोकोटिलेडंस लिख रखा है और बाद में डाइकोटिलेडंस रखा है। मोनोकोटिलेडंस में फिर हमारे पास 11 ऑर्डर्स हैं और 45 फैमिलीज हैं। उसके साथ साथ ही डाइकोटिलेडंस में हमारे पास दो सब क्लासेज हैं। पहला क्या है? आर्चिक्लेमाइडी और दूसरा क्या है? मेटाक्लेमाइडी। आर्चिक्लेमाइडी को मैंने अभी अभी आपको बताया कि इन्होंने पॉलीपेटलस और मोनोक्लेमाइडी जो सारे मेंबर थे उन्हें क्या किया है? आर्चिक्लेमाइडी में रखा है। और उसके साथ ही जो हमारे पास गैमोपेटलस कंडीशन थी उसे मेटाक्लेमाइडी नाम दिया है, उसे मेटाक्लेमाइडी में रखा है। उसके बाद इसमें जो है कि आर्चिक्लेमाइडी में 33 ऑर्डर हैं और मेटाक्लेमाइडी में 11 ऑर्डर इन्होंने रखे हैं। तो ये इनका क्लासिफिकेशन का एक आउटलाइन था। बहुत ही सिंपल सा क्लासिफिकेशन है इनका। इन्होंने सबसे पहले प्लांट लिया, आपको प्लांट लिखना है। प्लांट के बाद इन्होंने बैक्टीरिया से लेके टेरिडोफाइट तक एक अलग बनाया, मतलब 1 से लेके 12 तक का डिवीजन जो है वो बैक्टीरिया से लेके टेरिडोफाइट तक है। और 13वां वाला जो डिवीजन है यहाँ पे इन्होंने क्या किया है? एम्ब्रियोफाइटा सिफ्नोगैमिया को रखा है। एम्ब्रियोफाइटा सिफ्नोगैमिया जो है इसे इन्होंने फर्दर डिवाइड किया है और इसमें इन्होंने क्या किया है कि जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म दो फैमिलीज बनाई हैं, सॉरी दो डिवीजन्स बनाए हैं। सब डिवीजन्स कौन कौन से? जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। उसके बाद एंजियोस्पर्म को इन्होंने मोनोकोटिलेडंस और डाइकोटिलेडंस में डिवाइड किया है, मतलब ये दो क्लासेस हैं इसकी। उसके बाद डाइकोटिलेडंस की दो सब क्लासेस हैं, एक है आर्चिक्लेमाइडी दूसरा है मेटाक्लेमाइडी। ये इनका क्या है? आउटलाइन है क्लासिफिकेशन का। अगर आपको समझ में आया है तो शायद क्लास में याद भी हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सारे ऐसे कोई टर्म्स नहीं है जो आपके लिए बिल्कुल नए हों, सब कुछ यूज़ किए हुए टर्म्स हैं। यहाँ पे भी देखिए क्लासिफिकेशन का शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म की दो क्लासेस हैं, मोनोकोटिलेडंस और डाइकोटिलेडंस। मोनोकोटिलेडंस को फिर हमने वहीं पे छोड़ दिया है, इसमें 14 ऑर्डर्स हैं। उसके बाद डाइकोटिलेडंस में क्या है? आर्चिक्लेमाइडी है और मेटाक्लेमाइडी है। मेटाक्लेमाइडी में हम गैमोपेटलस वाले मेंबर्स को रखेंगे और आर्चिक्लेमाइडी में हम पॉलीपेटलस के साथ साथ मोनोक्लेमाइडी वाले सारे मेंबर्स को इसमें रखेंगे। तो ये फीचर्स है किसका? इंग्लर एंड प्रैंक्टल की क्लासिफिकेशन के जो क्लास आउटलाइन है उसकी। ये गैमा जो है कि फ्यूज वाली कंडीशन थी। इनके मेन मेन पोस्टुलेट्स क्या है? इन्होंने किसको, किस कैरेक्टर्स को इन्होंने प्रिमिटिव कहा है, किस कैरेक्टर को इन्होंने एडवांस कहा है, उसको भी एक बार देख लेते हैं। इंग्लर एंड पेंटल क्लासिफिकेशन हैव सम मेन पोस्टुलेट्स। कुछ मेन पोस्टुलेट्स हैं, कौन कौन से? कि जिन पौधों में विंड पॉलिनेशन होता है वो प्रिमिटिव होते हैं ऐसे पौधों से जिनमें इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है। आप याद करिए कि जब हमने जिम्नोस्पर्म पढ़ा था अपने सेमेस्टर सेकेंड में, हमने कहा था कि सारे जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनके अंदर जो पॉलिनेशन होता है वो विंड पॉलिनेशन होता है, और हमारे जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनके अंदर जो पॉलिनेशन होता है वो इंसेक्ट पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन, विंड पॉलिनेशन, बड़े अलग अलग तरीके हमने देखे थे। तो जिम्नोस्पर्म प्रिमिटिव फैमिली है और जिम्नोस्पर्म में कैसा पॉलिनेशन होता है? विंड पॉलिनेशन होता है। आगे क्या दिया है? कि जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं ये प्रिमिटिव होते हैं एज कम्पेयर टू बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या है? कि चाहे उसमें मेल हो चाहे उसमें फीमेल पार्ट हो, मतलब कि चाहे वहाँ पे एंथर बने या वहाँ पे जो है कार्पल्स बने, एक ही चीज़ बनना चाहिए, तो वो प्रिमिटिव है एज कम्पेयर टू ऐसे फ्लावर जिसके पास दोनों चीज़ें, ऐसा इन्होंने कहा था। तीसरी बात क्या है? कि फ्री फ्लोरल पार्ट्स, अगर सारे के सारे पार्ट्स फ्री हैं तो वो प्रिमिटिव है। फ्री देखिए, अभी इन्होंने क्या किया? पॉलीपेटलस वाले जो कंडीशन थी उसे आर्चिक्लेमाइडी में रखा है, और पॉलीपेटलस का मतलब क्या है? पेटल्स जो है वो फ्री फ्री रहे, तो पॉलीपेटलस या फिर फ्री फ्लोरल पार्ट जो है वो प्रिमिटिव कैरेक्टर है, और अगर वो यूनाइटेड है तो ये एडवांस कैरेक्टर है। नहीं, आगे क्या दिया है? नेक्ड फ्लावर इज प्रिमिटिव कैरेक्टर्स और पेरियंथ फ्लावर आर एडवांस कैरेक्टर। नेक्ड फ्लावर्स का, पेरियंथ फ्लावर्स का क्या मतलब होता है? जहाँ पे कैलिक्स और करोला में डिफ्रेंसिएशन नहीं हो पाता उसे हम लोग कहते हैं पेरियंथ। तो पेरियंथ फ्लावर्स इनके हिसाब से एडवांस कैरेक्टर थी और नेक्ड फ्लावर्स जो है वो प्रिमिटिव कैरेक्टर्स थे। उसके बाद क्या है? मोनोक्लेमाइडस फ्लावर्स इज प्रिमिटिव कैरेक्टर्स देन डाइक्लेमाइडस। जो मोनोक्लेमाइडस फ्लावर्स होते हैं वो प्रिमिटिव कैरेक्टर्स होते हैं एज कम्पेयर टू डाइक्लेमाइडस। उसके बाद क्या दिया है? कि
जो आपके पास आर्ची क्लेमाइडी है, मतलब जो पॉलीपेटलस और मोनोक्लेमाइडी वाली कंडीशन है वो प्रिमिटिव है, और मेटाक्लेमाइडी जो है वो एडवांस कैरेक्टर्स है। और इसमें दिया है फीमेल फ्लावर इवॉल्व फ्रॉम मेगा स्पोरोफिल एंड मेल फ्रॉम माइक्रोस्पोरोफिल। जो फीमेल फ्लावर्स होते हैं जहाँ पे ओवरीज बनती हैं, जो यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर्स होते हैं उनका फॉर्मेशन कहाँ से होता है, मेगा स्पोरोफिल से, और जो मेल फ्लावर्स होते हैं उनका फॉर्मेशन माइक्रोस्पोरोफिल से होता है, ये बात इन्होंने कही थी। बहुत कुछ नहीं कहा था, विंड पॉलिनेशन प्रिमिटिव है एज़ कम्पेयर टू इंसेक्ट पॉलिनेशन, जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं ये प्रिमिटिव है एज़ कम्पेयर टू बाइसेक्सुअल। इन्होंने कहा था कि फ्री फोलर पार्ट जो है वो प्रिमिटिव है एज़ कम्पेयर टू यूनाइटेड्स। इन्होंने कहा था कि जो नेक्ड फ्लावर्स होते हैं वो प्रिमिटिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू पेरियंथ। इन्होंने कहा था कि जो मोनोक्लेमाइडस कंडीशन होती है वो प्रिमिटिव होती है एज कम्पेयर टू डाइक्लेमाइडस। तो इस तरीके से इनके मेन मेन जो है पॉस्टुलेट आपको याद होने चाहिए। ये इनकी आउटलाइन का एक कुछ पेजेस हैं, आप चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। इनकी अब बात करते हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की, आखिर इनका जो क्लासिफिकेशन था इसके क्या क्या मेरिट्स थे और क्या क्या डीमेरिट्स थे। मेरिट्स का मतलब क्या अच्छाइयाँ क्या थी, और डीमेरिट्स मतलब ऐसी कौन सी जगह थी जहाँ पे ये चूक चुके थे, जहाँ पे इनसे कुछ गलतियाँ हुई थी, इन्होंने जो बात कही थी वो सही नहीं है। मेरिट्स में सबसे पहली बात इन्होंने ये कहा गया है कि इन्होंने सबसे पहली बात है इनकी सबसे अच्छी कि इन्होंने फाइलोजेनेटिक के हिसाब से क्लासिफिकेशन दिया था। इनका जो क्लासिफिकेशन का तरीका था वो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, और इनने जो अरेंजमेंट किया था वो एक जो है इवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स के हिसाब से किया था। प्रिमिटिव कैरेक्टर्स को पहले रखा था, एडवांस कैरेक्टर को बाद में रखा था, बड़ी अच्छी बात की थी। आगे इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने ऑल ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम को क्लासिफाई किया था, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो एल्गी हो, फंजाई हो, ब्रायो हो, टेरिडो हो, जिम्नो हो, और एनजीओ हो, कोई सा भी ग्रुप हो, हर ग्रुप को इन्होंने यहाँ पे क्लासिफाई किया था। उसके बाद इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने मॉडर्न टैक्सोनॉमी कीज के लिए कुछ वर्ड्स दिए थे, कुछ सिस्टम दिया था कि कैसे टैक्सोनॉमी कीज का यूज़ वगैरह करना है, ये इनके क्लासिफिकेशन से आया था। कीज वगैरह हमने डिटेल में पढ़ रखा है। उसके बाद क्या है, जिम्नोस्पर्म्स को इन्होंने एक अलग ग्रुप बनाया जो कि अभी तक नहीं हुआ था, और ये बहुत सही चीज़ इन्होंने की है अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट है इवोल्यूशन का, उसके हिसाब से जिम्नोस्पर्म को अलग रखना चाहिए। बहुत सारे उसके ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि एंजियोस्पर्म से बिल्कुल अलग हैं। आगे दिया है कि इन्होंने एस्टरेशिया जो फैमिली है, एस्टरेशिया फैमिली मतलब कि जो आपकी सूरजमुखी वाली फैमिली है, जो आपको मेरी गोल्ड वाली फैमिली है, इस फैमिली को इन्होंने कहा कि ये डाइकॉट की सबसे एडवांस फैमिली है, जो कि सही बात है। इन्होंने एस्टरेशी फैमिली को सबसे लास्ट में रखा था डाइकॉट्स के, और ये सही बात है कि डाइकॉट का जो सबसे एडवांस ग्रुप है वो एस्टरेशी फैमिली है, तो ये भी इनकी अच्छी बात है। और इनके पास इन्होंने जो ऑर्चिडेशी फैमिली को रखा था लास्ट में मोनोकॉट्स के, मोनोकॉट्स के लास्ट में इन्होंने रखा था ऑर्चिडेशी फैमिली को, जो कि वो भी एक्यूरेट है कि ये एडवांस फैमिलीज थी। आगे क्या दिया है कि इनके क्लासिफिकेशन में पहली बार, या कह सकते हैं इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में एनाटॉमिकल डाटास को भी बहुत अच्छी तरीके से इंक्लूड किया था, उसके ऊपर भी स्टडी करके क्लासिफिकेशन दिया था। तो इनके मेरिट्स क्या क्या हैं, पहली बात तो इन्होंने फाइलोजेनेटिक सिस्टम पे काम किया था, दूसरी बात कि इन्होंने ना सिर्फ एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म पे काम किया था बल्कि सारे प्लांट ग्रुप के ऊपर काम किया था, तीसरी बात कि इन्होंने जो काम किया था वो मॉडर्न टैक्सोनॉमी कीज के ऊपर भी काम किया था। इसके बाद इन्होंने जो दिया था कि जिम्नोस्पर्म अलग ग्रुप है एंजियोस्पर्म से, वो भी सही बात है, कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन से बहुत सही बात है। एस्टरेशी फैमिली को इन्होंने डाइकॉट्स के सबसे एडवांस ग्रुप में रखा, ये भी सही बात है। ऑर्चिडेशी फैमिली को इन्होंने मोनोकॉट के एडवांस में रखा, वो भी सही बात है। एनाटॉमिकल डाटा के ऊपर भी इन्होंने ध्यान दिया, ये भी इनके जो है कि मेरिट्स हैं। डीमेरिट्स की बात करते हैं। अब भाई कोई कोई काम अगर कर रहा है तो उससे कुछ ना कुछ तो गलतियां होंगी ही होंगी। हो सकता है वो गलतियां उसके काम के हिसाब से बहुत माइन्यूट हो, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ पे जाता है, गलती पे ही जाता है। तो इनसे भी कुछ गलतियां हुई थी, कुछ चीज़ें इन्होंने उल्टी पुल्टी कर दी हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। मोनोकॉट को इन्होंने प्रिमिटिव कहा था डाइकॉट से, जो कि सही बात नहीं है। आज के टाइम पे हमें पता है कि मोनोकॉट जो है वो मोर एडवांस फैमिली है एज़ कम्पेयर टू डाइकॉट। कोई लोग भी कंफ्यूज नहीं, अगर किसी को पता नहीं है, जैसे कि आप जो गेहूं चावल के पेड़ देखते हैं, जो बांस का पेड़ देखते हैं, जो सुगर केन का प्लांट देखते हैं, वो इवोल्यूशनरी पैटर्न में मोर एडवांस है डाइकॉट से। मतलब जो आम देखते हैं, जो बरगद देखते हैं, जो पीपल देखते हैं, उससे एडवांस है वीट ग्रास, और जो है कि आप सुगर केन और आप बैम्बू वगैरह जो देखते हैं वो एडवांस है। यस, यू आर हियरिंग ट्रू, आप सही सुन रहे हैं।
उसके बाद क्या दिया है, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिमिटिव फ्लावर इज यूनिसेक्सुअल। इन्होंने कहा था कि जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स है वो प्रिमिटिव है एज कम्पेयर टू बाइसेक्सुअल फ्लावर्स है। ये बात भी गलत है। यूनिसेक्सुअल का मतलब जैसे हम ह्यूमंस हैं, हम क्या है, यूनिसेक्सुअल है, एक बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेक्स है। और बाइसेक्सुअल में क्या होता है कि सेम के अंदर मेल फीमेल दोनों हों। और इवोल्यूशनरी ट्रेंड से समझिए कि हमारी बॉडी हमेशा चाहती है कि जो जेनेटिक कॉम्बिनेशंस हैं उसके नए नए कॉम्बिनेशन, नए नए वेरिएशन आपको देखने को मिले। तो वेरिएशन क्रिएट करने के लिए ज़रूरी है कि नए नए जो जीन मेकअप है, नए नए जो अलग अलग गैमेट्स हैं वो फ्यूज़ करें। उसके लिए बेस्ट क्या होगा कि एक इंसान की बॉडी में एक ही सेक्स रहेगा, तो अगर उसे दूसरा गैमेट चाहिए तो उसे बाहर से ही रिसीव करना पड़ेगा। तो अगर जो बाइसेक्सुअल फ्लावर रहेगा तो वो आपस में फ्यूज़ कर लेंगे, सेम का एंथर सेम का स्टेमन पे जो एंथर बनेगा वो जाके पोलन जाके जो है फीमेल को फर्टिलाइज कर देगा, तो उनके पास कॉम्बिनेशन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। आप पढ़ेंगे होंगे सेकेंड सेमेस्टर में कि वहाँ पे कुछ आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज हैं जो कि इन ब्रीडिंग को रोकती हैं, जो कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन को रोकती हैं। तो वो सब क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि एक ही जगह था सेक्स ऑर्गन उनके। अगर सेक्स ऑर्गन अलग अलग फ्लावर्स पे बना देंगे तो अच्छी बात है ना। तो इस तरीके से जो यूनिसेक्सुअल कंडीशन थे ये एडवांस कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन इन्होंने कह दिया कि ये प्रिमिटिव कैरेक्टर्स हैं। आगे क्या दिया है, कंबाइनिंग एपेटलस फैमिलीज विद पॉलीपेटलस फैमिलीज टू फॉर्म। इन्होंने क्या किया कि मोनोक्लेमाइडी को किसके साथ जोड़ दिया, पॉलीपेटलस के साथ जोड़ दिया। पॉलीपेटलस खुद एक बहुत बड़ा ग्रुप है और मोनोक्लेमाइडी भी एक बड़ा ग्रुप है। अगर उन दोनों ग्रुप को जोड़ देंगे तो जो ये ग्रुप बना है ये काफ़ी बड़ा ग्रुप बना है, और शायद ये अलग अलग रहता तो ज़्यादा सही रहता, ईजी टू अंडरस्टैंड, ईजी टू लर्न होता। तो ये भी इनकी कुछ कमियाँ हैं। इसमें 33 ऑर्डर और 206 फैमिलीज हो जाती हैं एक सिंगल ग्रुप में, तो जो कि प्रैक्टिकली सही नहीं है उतना। तो ये थे इनके कुछ डीमेरिट्स। इसमें मेनली क्या क्या डीमेरिट्स था कि इन्होंने यूनिसेक्सुअल को कहा कि प्रिमिटिव है, और इन्होंने क्या किया कि डाइकॉट्स को कहा कि एडवांस है। मेन दो गलतियां इन्होंने ये की, और तीसरी एक छोटी सी गलती इन्होंने ये कर दी कि इन्होंने पॉलीपेटलस और जो है मोनोक्लेमाइडी को साथ में कर दिया, जिसकी वजह से वो ग्रुप काफ़ी बड़ा हो गया, और बहुत बड़ा ग्रुप होने की वजह से उसमें कन्फ्यूजन्स होने लगे। तो ये इनकी मेन गलतियाँ थी। ये मैंने अपने फॉर्म में शॉर्ट में लिखा है कि इनके कौन कौन से मेरिट्स थे और कौन कौन से इनके डीमेरिट्स थे। तो ये था आज की वीडियो के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे हमने एंगुलर एंड प्रैंक्टिल की क्लासिफिकेशंस के बारे में डिटेल में देखा। इनके क्लासिफिकेशन फाइलोजेनी के बेस पर बेस्ड था, क्या क्या इनके पोस्टुलेट्स थे, कौन से कैरेक्टर को इन्होंने कहा कि एडवांस है, कौन से कैरेक्टर को इन्होंने कहा कि प्रिमिटिव है। उसके साथ साथ में ही हमने देखा कि इनके जो इनका क्लासिफिकेशन है इसके एडवांस मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है। इसी के साथ वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और आप लोगों से बस इतना कहना है कि लास्ट डे कुछ अच्छी नहीं रही हमारे साथ, हमारी टीम के सारे मेंबर्स कह सकते हैं आप फिज हेल्थ इश्यूज से सफ़र कर रहे थे, लेकिन अब हम लोग आ चुके हैं और अब आपको कंटिन्यूस वीडियोज मिलेंगी, और हम ट्राई करेंगे कि समय के साथ साथ आपकी सारी चीज़ों को कवर करा दिया गया। आपको बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे ऊपर खुद बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्योंकि हमने आपको कहा है कि आपका सब कुछ हम टाइम पे कराएंगे, और आज के टाइम पे आप लोग हम पे विश्वास करके हमारे बैच के साथ ज्वाइन हुए हो, और किसी का विश्वास बनाए रखना बहुत बड़ी चीज़ होती है, और हम कभी ऐसा नहीं होने देंगे कि किसी का विश्वास हमारे ऊपर से ख़त्म हो। तो आप लोग बहुत शांत रहिए, आप लोग का टाइम से सिलेबस हम लोग करा देंगे। आप लोगों ने बहुत टाइम तक वेट किया, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। अभी भी बहुत सारी वीकनेस हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं हमारी बॉडी में, बट फिर भी वी विल ट्राई टू प्रोवाइड लेक्चर्स ऑन टाइम, और आपके सिलेबस ऑन टाइम कंप्लीट करने का भी पूरा ट्राई करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।